दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कियो हेल्थ को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि देख सको आप हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय राज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कियो हेल्थ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपनी मोबाइल की चार्ज लगाते हैं तो आप तीन ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपका मोबाइल या तो फुल चार्ज करते हैं और दो घंटे के लिए या एक घंटे के लिए ही चलता है और डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर मोबाइल हैंग होने लगता है, या बैटरी फूल जाती है, या मोबाइल ख़राब हो जाता है, या मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। तो इन सभी कारणों के बारे में आज हम दोस्तों आपको बताएंगे तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो इसके लिए जानने के लिए आप देखते रहिए हमारी पूरी वीडियो अंत तक। दोस्तों आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि आप किसी भी मोबाइल के चार्जर को अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे LG का मोबाइल हो और चार्जर किसी अन्य कंपनी का हो। दोस्तों ऐसा करके आप अपने मोबाइल की बैटरी ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों जिस कंपनी का आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसी कंपनी का चार्जर यूज़ कीजिए, जिससे दोस्तों आपकी बैटरी भी सही रहेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी, फूलेगी भी नहीं। दोस्तों अक्सर करके ज़्यादातर लोग मोबाइल को डेस्कटॉप या लैपटॉप में USB लगाकर चार्ज करते हैं, जिससे दोस्तों मोबाइल देरी से चार्ज होता है और उसकी बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। दोस्तों ऐसा करके भी आप अपने मोबाइल की हेल्थ ख़राब करते हैं और बैटरी बहुत कम दिनों तक चलती है। दोस्तों आप अपने मोबाइल को उसी कंपनी से चार्ज कीजिए जिस कंपनी का मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आपका चार्जर यदि खो जाता है तो उसी कंपनी का चार्जर आप लेके आइए, जिससे आपका मोबाइल भी ठीक रहेगा और हैंग भी नहीं होगा और बैटरी भी आपकी अच्छी चलेगी। दूसरी गलती दोस्तों आप ये करते हैं कि आप अपना मोबाइल या तो स्विच ऑफ पे नहीं करते हैं या फिर फ्लाइट मोड पे भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने से आपका मोबाइल नेटवर्क में रहता है, जिससे आपकी बैटरी एक ओर तो चार्ज होती रहती है और एक ओर खर्च होती रहती है। ऐसा करने से दोस्तों मोबाइल में ओवरहीटिंग होती है और चार्जिंग भी देरी से होती है और बैटरी भी फूल जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मोबाइल ख़राब हो जाने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप जब भी अपना मोबाइल चार्ज करें तो प्लीज़ या तो फ्लाइट मोड पे करें या फिर फ़ोन को अपने को स्विच ऑफ कर लें। और दोस्तों चार्ज करते समय मोबाइल का कवर भी उतार दें, जिससे मोबाइल ओवरहीटिंग से बचता है और आपका मोबाइल बैटरी सही बैकअप में रहती है। तीसरी गलती दोस्तों जो बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि दोस्तों आपकी बैटरी अगर 100% चार्ज हो गई मान लीजिए, तो लोग सोचते हैं कि मेरी बैटरी को थोड़ी देर और चार्ज होने देता हूँ जिससे बैटरी और ज़्यादा चलेगी। दोस्तों ऐसा करके आप बहुत गलत करते हैं, या फिर दोस्तों कई बार आप शाम को सोते समय अपने मोबाइल को चार्ज लगा देते हैं और मोबाइल रात भर चार्ज होता रहता है, जिससे आपकी बैटरी फूल जाती है या फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों आप अब धीरे धीरे इस ऐसा करने से आपकी बैटरी ख़राब होती जाती है, मोबाइल हैंग होने लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप बैटरी को अपनी को या तो 96 से 98% तक ही चार्ज करें, पूरा 100 से ऊपर ना करें, जिससे मोबाइल का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है बैटरी का और ज़्यादा समय तक चलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इन सभी के बारे में पता चल सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे इस तरह के सभी वीडियो के बारे में जान सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं। नमस्कार।